डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टूडे वी आर गोइंग टू रीड 9th लेसन ऑफ 4th क्लास। द लेसन नेम इज़ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या फिर उनकी जो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन्स की या प्रोनाउंस की, दे टेल अस द साइज, शेप, नेचर, क्वालिटी और कंडीशन। उनके बारे में कुछ भी जो चीज़ें दूसरों से उसको अलग करती हैं, जो उसकी मेन चीज़ होती है, वही होगा आपका एडजेक्टिव। है जैसे यहाँ पर दिया है दैट इज़ अ बिग ट्री। ट्री तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये ट्री कैसा है, थोड़ा सा बिग है, तो बिग शब्द ने इसको सबसे डिफर किया है, तो बिग यहाँ पर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। जैसे नेक्स्ट है ही इज़ अ रिच मैन। मैन तो काफ़ी हैं, बट ये मैन कैसा है, रिच, तो ये इसकी एक अलग से क्वालिटी बताई गई है, तो इसको हम एडजेक्टिव वर्ड बोलेंगे। कुछ भी आप सेंटेंस ले सकते हो, जैसे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, तो आप अलग हो सबसे, गुड, गुड ने सबसे अलग किया आपको, तो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, थिन, ब्यूटीफुल, फैट, गुड हैबिट, क्लेवर, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, कुछ भी आप यहाँ पर, वो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। नाउ वी रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। क्वान्टिटी क्या होती है? मात्रा, जिसको हम ओनली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते। जैसे सम, इसके जो कुछ वर्ड होते हैं क्वान्टिटी के, सम, लिटल, मच, इनफ, सुफिशियंट, इनसुफिशियंट, ऑल, होल, ग्रेट, एनी, एक्सेट्रा। इन ये अगर शब्द कहीं पर भी आते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी की यहाँ पर बात हो रही है। एग्जाम्पल, आई हैव बॉट सम बिस्किट पैक्स। बिस्किट पैक्स खरीदे, लेकिन कितने कितने बोट के, सम, कुछ। आई हैव नॉट गोट मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मच मनी नहीं है, मनी तो है लेकिन मच नहीं है, तो उसकी आपने यहाँ पर एडजेक्टिव आया, तो ये सभी आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर यानी कि न्यूमेरिकल में आपको ये बताएंगे। ये भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। सबसे फर्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल भी आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे, एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होगा, जैसे आपकी पोजीशन होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन कार्डिनल में क्या करोगे आप, 1, 2, 100, 1000, ऐसे वो आपके आ जाएंगे। सेकंड था इसी का, नंबर का सेकंड था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, जैसे ईच, एवरी, नीदर, नॉर, ये आपके उसमें आएंगे। टुडे वी रीड द हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स। और इसमें से आपको जो होमवर्क करना है वो एक्सरसाइज ए से करना है। जैसे देखो क्या दिया इसमें, शी द टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड इट्स एग्जाम्पल एंड राइट वन मोर ऑफ यू ऑन। यानी कि आपको एक पिक्चर दी गई है और उससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस दिया, सेकंड सेंटेंस आपको बनाना है। एडजेक्टिव कैन बी यूज टू डिस्क्राइब कलर। कलर को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक दे दिया द ब्लैक डॉग, डॉग का कलर कैसा है, ब्लैक। ऐसे यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हो, किसी भी कलर का, जैसे ये जो जिराफ दिया है, जिराफ का कलर आप बता सकते हो, द जिराफ कलर इज ऑरेंज। कुछ भी ऐसे आपको एक कलर से रिलेटेड बनाना है, सेकंड में आपको ओपिनियन देने हैं, थर्ड में आपको साइज बताना है। यहाँ से जिराफ का दिया है, आप कोई भी साइज दे सकते हो, डॉगी का साइज से बोल सकते हो। थर्ड में नेक्स्ट में आपको एज से रिलेटेड है, उसे नेक्स्ट शेप से रिलेटेड है, फिर आपको टच से रिलेटेड है, जैसे द होटी, तो आप इसकी सेकंड लिख सकते हो, द कोल्ड वाटर। और बी बनाना, बी करना आपको, शोर दिस एडजेक्टिव इनटू द करेक्ट कॉलम। कॉलम में लगाने आपको कलर वाले यहाँ लगाने हैं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में आप साइज वाले लगा सकते हो, और थर्ड में आपको शेप वाले करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। सो थैंक्स।